Top 100. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की जांच, सभी मामले की तफ्तीश करेगी सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को व्यापम घोटाले से जुड़ी सभी मौतों की जांच का भी दिया आदेश, व्यापम से जुड़े मामलों में अब तक 48 मौतें हुई। मध्य प्रदेश के राज्यपाल को हटाने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब, सीबीआई से भी 2 हफ्तों में मांगा जवाब। अदालत के नोटिस के बाद गृह मंत्री से मिले गृह सचिव, हटाए जा सकते हैं राज्यपाल राम नरेश यादव, प्रधानमंत्री मोदी के लौटने के बाद होगा फैसला। बीजेपी ने भी किया व्यापम की सीबीआई जांच का स्वागत, मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कांग्रेस ने जानबूझकर संदेह का माहौल बनाया। विशेषकर प्रतिपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस ने कमर के नीचे वार किया और संदेह का ऐसा वातावरण निर्मित किया कि जैसे मध्य प्रदेश जैसे हत्याओं का प्रदेश बन गया। सीबीआई जांच में देरी के आरोप को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने किया खारिज, बोले जनता की भावनाओं को देखते हुए लिया फैसला। कांग्रेस ने जांच का स्वागत किया लेकिन कहा अपनी निगरानी में जांच कराए सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी द्वारा की जाए। नम्रता डामोर केस में बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर बीबी पुरोहित ने बताया गला दबाकर मारे जाने का शक। हमारे द्वारा पूरी तरीके से जो भी चीजें देखी गई और एस्फेक्सिया और स्मोदरिंग और थ्रॉटलिंग जो लेख किया गया वो उसकी फाइंडिंग्स बेस्ड ओपिनियन दी गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तक के संवाददाता अक्षय के परिवार वालों से की मुलाकात, मदद का दिया भरोसा। वो जैसा चाहेंगे, मैंने कहा है कि हाँ मध्य प्रदेश भवन है हमारा, हम जॉब यहाँ उनको दे सकते हैं उसमें, क्योंकि दिल्ली में ही उनको रहना चाहिए। अक्षय के परिवार ने ठुकराई पेशकश की मदद, सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं चाहिए, निष्पक्ष जांच की मांग रखी। व्यापम के एक और गवाह की मौत का खुलासा, 2 महीने पहले यूपी के हमीरपुर में कांस्टेबल संजय सिंह की बीमारी से मौत, अब मामला आया सामने। वसुंधरा के खिलाफ जयपुर में संघ का हल्ला बोल, कार्यकर्ताओं ने जयपुर में 76 जगहों पर लगाया जाम। राज्य सरकार ने करीब 3,000 पुलिसकर्मियों को उतारा, मेट्रो के लिए 95 मंदिरों पर बुलडोजर चलाने के आरोप में प्रदर्शन। गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिले दिल्ली बीजेपी के नेता, लोकायुक्त समेत कई मुद्दों को लेकर हुई बात। मुंबई में बीजेपी का महासंपर्क अभियान, पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं ने की शिरकत। निजी गाड़ी से पकड़े गए 1 करोड़ रुपए के मामले में तिब्बती धर्मगुरु करमापा लामा, फिर मुकदमे चलेगा, हाईकोर्ट ने निचली अदालत को दिया निर्देश। ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत 5 लोगों को जारी किया नोटिस, 2014 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कार की छत पर रोड शो करने का आरोप। बिहार में पूर्व आरजेडी सांसद पप्पू यादव थाम सकते हैं एनडीए का दामन, अटकल से बीजेपी की उड़ी नींद, पप्पू यादव ने कहा नहीं बनूंगा वोट कटवा, किसी न किसी गठबंधन के साथ लड़ूंगा चुनाव। ललित मोदी विवाद में घिरी राजस्थान की मुख्यमंत्री मां पीताम्बरा की शरण में, जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के दतिया स्थित मंदिर में संकट निवारण के लिए पूजा अर्चना की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का थायराइड का हुआ ऑपरेशन, गुड़गांव में निजी अस्पताल में हुआ ऑपरेशन। बालाघाट के पत्रकार संदीप कोठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी माइनिंग माफिया राकेश नरसवाणी को गिरफ्तार किया गया, छत्तीसगढ़ के रायपुर में छिपा हुआ था, 7 लोगों की हुई अब तक गिरफ्तारी। रूस में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया, विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की, ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने दिया स्किल डेवलपमेंट पर जोर। यूनाइटेड नेशंस के समक्ष 2014 के बाद के डेवलपमेंट एजेंडा में गरीबी निवारण मुख्य एजेंडा होना चाहिए। कल रूस के शहर उफा में होगी प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हाई प्रोफाइल मुलाकात।
ओफा में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले प्रधानमंत्री, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीर रहमान लखवी को लेकर यूएन में भारतीय प्रस्ताव रोकने का उठाया मुद्दा। करीब 90 मिनट लंबी मुलाकात में मोदी और जिनपिंग की हुई बात, पाकिस्तान के साथ 46 अरब डॉलर की लागत से बनाए जा रहे आर्थिक गलियारे पर भी जताई गई चिंता। असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग और तेज करने पर राजी हुए भारत रूस, उफा में मोदी पुतिन वार्ता में रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर भी हुई बात, योग दिवस पर रूस के कार्यक्रमों के लिए पुतिन को दिया मोदी ने धन्यवाद। ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा, ब्रिक्स के बाद शंघाई सहयोग सम्मेलन में हिस्सा लेंगे मोदी। विवादों के भंवर में फंसी सरकार के खिलाफ बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तरकश से निकाले तीर, कहा 13 महीने में सरकार को लग गई नजर। अभी तो फिलहाल यही कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि 13वें महीने में हमारी सरकार को कोई नजर लग गई है। बिहार में चुनाव का बिगुल बजने से पहले पोस्टर वॉर, पटना में जेडीयू के पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने लगाए पोस्टर। यूपी के देवरिया तक पहुंची व्यापम की जांच, आरोपी छात्र को ढूंढ रही है एसटीएफ, 2 साल से लापता है प्रभात कृष्ण शर्मा। व्यापम घोटाले को लेकर बिहार में भी छापेमारी कर रही है एसटीएफ, हर तरह की मदद के लिए तैयार बिहार पुलिस। तोमर की मौत ने बढ़ाई इंदौर के जिला जेल प्रशासन की परेशानी, व्यापम से जुड़े 17 कैदियों को केंद्रीय जेल में शिफ्ट करने के लिए अदालत को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के द्वारका में करगिल के शहीद जवान की विधवा से बदसलूकी, पड़ोस में रहने वाले रिटायर्ड कर्नल पर आरोप। कोलकाता के एक बार में 2 गुटों में फायरिंग, करीब से गुजर रहे एक शख्स की मौत, एक गिरफ्तार। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान के विरोध में अखाड़ा परिषद, रिलीज रोकने की धमकी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में वन विभाग ने तेंदुए पर पाया काबू, 2 दर्जन से जानवरों को बना चुका है अपना शिकार। हरियाणा के यमुनानगर में नन्हे वैज्ञानिक सौरभ का अद्भुत कारनामा, माइक्रो सैटेलाइट के निर्माण को लेकर बड़ी कामयाबी। बहराइच की सड़कों पर चांदी के दाने मिलने से अफरा तफरी, हाईवे पर बिखरी छोटी छोटी गोलियां, चुनने के लिए उमड़ी भीड़। औरंगाबाद वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का रिकॉर्ड तोड़ भीड़, 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं अब तक दर्शन। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, सूत्रों के अनुसार गणेश मंडल पंडालों पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर हुई बात। 206 करोड़ के चिक्की घोटाले के विवाद में फंसी पंकजा मुंडे ने साफ किया कि वो कभी मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं रही, पंकजा ने किया खबरों का खंडन। राज्य में मानसून की स्थिति, बारिश की स्थिति खराब, राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों में सूखे के दौरान मिलने वाली सरकारी सहूलियतें 31 जुलाई तक जारी रखी जाएंगी। मंत्रियों पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बनाई कोर टीम, सोशल मीडिया पर होने वाली बीजेपी की आलोचना और दुष्प्रचार का जवाब देने की सौंपी गई जिम्मेदारी। कोर टीम बनाने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बनाई टीम, सीधे शाह को रिपोर्ट करेगी टीम, 5 लोगों को किया गया शामिल। दिल्ली में लिफ्ट लेने वाले लोगों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 लग्जरी कार बरामद की गई। भुवनेश्वर में लेडी डॉक्टर और उसकी मां गिरफ्तार, शहर के मॉल में घूम घूम कर चोरी का आरोप। हैदराबाद में 19 साल की लड़की ने सौतेली मां और पिता पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, एनजीओ की मदद से पुलिस ने बचाया। पंजाब के तरन तारण में एक शख्स ने पुलिस के सामने आत्महत्या की, पारिवारिक विवाद में खाया जहर। त्रिपुरा के बोलोनिया में महिलाओं ने वेश्यावृत्ति के आरोप में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। कानपुर में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी, कई दिनों से लापता था, पत्नी ने पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत। परिवार वालों का आरोप, अवैध संबंधों के चलते पत्नी नहीं करा दी पति की हत्या, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली के द्वारका में रिटायर्ड कर्नल पर उसकी पड़ोसी महिला ने लगाया जान से मारने की कोशिश का आरोप, टंकी लीकेज के बाद महिला को छत से फेंकने की कोशिश। कांवड़ यात्रा को लेकर इलाहाबाद प्रशासन बेहद लापरवाह, अभी तक शुरू नहीं किए इंतजाम।
हैदराबाद में एनजीओ ने सौतेली माँ के जुल्म से 19 साल की लड़की को बचाया। काम के अलावा लड़की को शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आधा दर्जन नक्सलियों का आत्मसमर्पण, सभी के सिर पर लाखों का इनाम। झारखंड के लातेहार में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी, 3 नक्सली गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, स्कूल में खेलने के बहाने बच्ची के साथ 15 साल के लड़के ने किया रेप। यूपी में पीलीभीत के बिलसंडा में सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदिर में शिक्षकों ने देखी ब्लू फिल्म, स्कूल प्रिंसिपल समेत पूरा स्टाफ सस्पेंड। स्कूल के ही एक शिक्षक ने ब्लू फिल्म देखते प्रिंसिपल समेत कई शिक्षकों का वीडियो बनाया था। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह जमकर बरसे बादल, निचले इलाकों में भरा पानी, कई रास्तों पर ट्रैफिक जाम। राजधानी वालों को उमस से मिली राहत, तापमान में गिरावट। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे एनसीआर में रहेगा मॉनसून मेहरबान, रुक रुक कर दिन भर बारिश की संभावना। राजधानी समेत एनसीआर में पारा ने लगाया गोता। भारी बारिश से ट्रैफिक जाम, NH24 पर लगा जाम, दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक बेहद धीमा। दक्षिण दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड पर खानपुर के पास सड़क पर जबरदस्त पानी भरा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विंबलडन महिला युगल में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस का विजय अभियान जारी, सेमीफाइनल में बनाई जगह। विंबलडन खिताब के करीब पहुंचे रोजर फेडरर, मेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के गाइल सिमोन को 6-3, 7-5, 6-2 से हराकर बनाई सेमीफाइनल में जगह। सेमीफाइनल में शुक्रवार को ब्रिटेन के एंडी मरे से होगा फेडरर का सामना। क्वार्टर फाइनल में पोस्पिलिस को 6-4, 7-5, 6-4 से हराया। टॉप सीड सर्बिया के नोवाक जोकोविच विंबलडन खिताब से महज 2 कदम दूर रह गए हैं। क्रोशिया के सिलिक को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में जोकोविच का मुकाबला फ्रांस के रिचर्ड गास्पे से होगा। गास्पे ने स्टैन वावरिंका को करीब 3.5 घंटे चले क्वार्टर फाइनल में दिमाग। रूट और बैलेंस की शतकीय भागीदारी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में इंग्लैंड का मजबूत स्कोर, पहले टेस्ट के पहले दिन 7 विकेट पर बनाए 347 रन। इंग्लैंड की तरफ से रूट ने खेली 134 रनों की पारी, बैलेंस ने 61 और स्टोक्स ने बनाए 52 रन। कोलकाता में फैंस एंड टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने मनाया 43वां जन्मदिन, 3D प्रिंट वाली आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को BCCI से मिलेगा 21 लाख का इनाम, न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज हराने पर बोर्ड अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने किया इनाम का ऐलान। प्रोफेशनल मुक्केबाजी के लिए देश में बनी नई संस्था, दिल्ली में लॉन्च हुआ इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल। अमेरिका में बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी के पास बंदूकधारी का हमला, 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 अलग अलग गाड़ियों से आए थे 2 बंदूकधारी, सड़क पर लोगों की ओर निशाना बनाकर की अंधाधुंध फायरिंग। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भीषण सड़क हादसा, बस और मिनी बस की भिड़ंत में कम से कम 20 लोगों की मौत, 40 मुसाफिर जख्मी। इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा, पुलिस के मुताबिक गलत दिशा से आ रही थी बस। मजदूरों की कमी से निपटने के लिए इंडस्ट्रियल रोबोट का सहारा लेगा चीन, शंघाई के ट्रेड शो में 300 से ज्यादा कंपनियों ने पेश किए रोबोट के मॉडल। अमेरिका ने किया फौज में कटौती का ऐलान, अगले 2 साल में करीब 40,000 जवानों की होगी छटनी, फौज में शामिल 17,000 सिविल कर्मचारियों की भी होगी छुट्टी। स्विट्जरलैंड में अब ड्रोन पहुंचाएगा चिट्ठी, ड्रोन बनाने वाली कंपनियों ने शुरू किया परीक्षण। अंतरिक्ष में जाने से पहले ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री टिम पिक पानी के भीतर ले रहे हैं ट्रेनिंग, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने जारी किया वीडियो। लापाज में पहुंचने पर पोप फ्रांसिस का बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोरेल्स ने किया जोरदार स्वागत, 8 घंटे बिताकर सांता क्रूज रवाना हो गए पोप। LGBT के इंद्रधनुष के मुकाबले रूस ने किया स्टेट फ्लैग का अनावरण, डिमास्को के सोकोनेकी पार्क में सालाना फैमिली डे के मौके पर हुआ अनावरण।